ओ भाई जी, हम लोग प्रॉपर्टी पे पहुंच गए हैं। मैं आपको ये प्रॉपर्टी दिखा, नाम है इसका द फॉरेस्ट पार्क। पूरी प्रॉपर्टी दिखा दो एक बार मैं आपको। ये देखो, बढ़िया एंट्री गेट और आसपास का नज़ारा आप देख सकते हो। सारे में सेब वाले पेड़ ही हैं शायद, जैसे वाइट वाइट फूल है। बहुत प्यारा नज़ारा है भाई। ने पानी साफ करा आते ही, ठंडा ना चिल वाटर भाई दास ने, स्प्रिंग वाटर है फ्रेश बिल्कुल पहाड़ा तो। और क्या फ्रेगरेंस है, मतलब नॉर्मल नहीं, आरो कुछ भी नहीं। ऐसे 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 करता हुआ क्लास में भाई, बड़ी दूर से चल के आया, पानी की इज्जत रखनी पड़ेगी यार। राजा भाजी ये ओनर है प्रॉपर्टी के, हमारी हेल्प कर रहे हैं, रूम वगैरह दिखा रहे हैं। ओह क्या हाल है क्यूटी। तो ये है जी प्रॉपर्टी का एक साइड व्यू। अभी हम लोग ऊपर जा रहे हैं, तो तीन रूम हम नीचे ले रहे हैं, एक रूम हम ऊपर ले रहे हैं। ये एक किचन है इनकी, ठीक है। और क्या मतलब, एक नंबर प्रॉपर्टी, एकदम कहते हैं ना सॉलिट्यूड, असली सॉलिट्यूड यहाँ मिलेगा। सो ये एक होम स्टे है, मतलब ओनर साथ ही रहते हैं यहाँ पे। और बाकी जो हमारे पास चार रूम है अभी के लिए, जिसमें से सब में ही अटैच बाथरूम है, शायद एक में नहीं होगा। सो ये मैं ऊपर का आपको ऐसा दिखा रहा हूँ। चिल आउट हमारा यहाँ बैठ के होगा, चिलैक्स करेंगे यहाँ बैठ के हम, चिलैक्स। तो चिलैक्स करने के लिए ये एक नंबर जगह ढूंढी हुई है। ये देखो जरा पीछे, ओए होए होए क्या बात है, मैं आपको जाके दिखाता हूँ। अभी हल्की हल्की बारिश आ रही है। और ये देखो जरा, ओहो हो माय गॉड क्या व्यू है, एक नंबर। ये नवा मेहमान मिला है बड़ा क्यूट सा। और मीन वाइज चाय आ गई है, और चाय का रिव्यू मिला कि चाय बड़ी प्यारी है। अभी भाई को सैंडविच और ऑर्डर दिया, सैंडविच बड़े स्वाद थे, ऐसी बात नहीं है। चाय का रिव्यू एक नंबर, क्या बात है, मतलब है। इससे ऊपर कोई चाय नहीं है। हेलो एंड गुड मॉर्निंग है जी सबको। तो अगले दिन की सुबह हो गई है, अभी भी मैं उठा हुआ आंखों से पता लग ही रहा होगा, मैंने सिर्फ अभी पटका रखा बांधा है और मैं बाहर आया हूँ। अभी चाय की वेट हो रही है, चाय आ रही है। और अर्ली मॉर्निंग नज़ारा देख के ना, मतलब दिल बाग बाग सा हो गया मेरा। बारिश शुरू हो गई दोबारा से, हमने बॉनफायर करने का सोचा लेकिन मेरे को लग रहा फिर से वही होगा कि लकड़ी गीली हो जाएगी, बॉनफायर नहीं हो पाएगा। रात को भी नहीं हो पाया, रात को मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि सब थके हुए थे। पहले तो आके सारे थोड़ी देर सो गए, फिर बस डिनर किया, थोड़ी देर बैठे, गप्पे शप्पे मारी एंड सो गए। अब आज के दिन की जो एक्टिविटीज़ है वो सारी हम रिकॉर्ड करेंगे, आपको भी साथ में दिखाएंगे। तब तक आप नज़ारा देखो। हेलो भाई गुड मॉर्निंग। मैडम उठ गई हैं, इंजन को उठा ही रहे थे। मैं उठी ही हुई थी, ये उठे ही हुए थे, अब बेड से उठ गए हैं। वॉशरूम में एक-एक करके सारे गए, मैं बेड से तब निकली जब भाई मैं क्यों अपना निगल खराब करूं। हाँ तो मेन पॉइंट ये है, अपन लोग जा रहे हैं ऊपर चाय पीने के लिए। चाय चौ बन गई है, लेट्स गो। मेरा भी है, मुझे भी ले लिया करो बीच में, अपना ही चलता रहते हो। यहाँ पे प्रॉपर्टी में अगर आप देख रहे होगे, खैर फोटो भी बड़ी बाबा जी की, बड़े दरवाजे उतारो, बड़ा पुराना पुराना सामान रखा हुआ जो पहले यूज होता था, मेरे को नहीं पता क्या है। करछी लग रही है, आहा मशीन, ये तो मैंने घर पे देखी हुई है। भाई साहब ओनर हैं प्रॉपर्टी के, तो वो ये बता रहे हैं कि यहाँ पे बर्फ पड़ जाती है, बट यहाँ पे नवंबर में पड़ती है, नवंबर में पड़ के मेल्ट भी हो जाती है, फिर उसके बाद दिसंबर वगैरह में दोबारा पड़ जाती है। अभी ऊपर चलते हैं। ठंड लग रही है ना, मनु ने नया दोस्त बना लिया। फाइट करने वाला मैच थी मनु सी, ये पिच भी खराब है, रन थोड़े है ही है, 140 के रन में तो पिच नहीं मिलती खराब है। ओ भाई अभी चाय पी के हटे हैं, धूप निकली थी और हवा देखो कितनी तेज चल रही है। मेरे को डर अर्पित ना उड़ जाए। अर्पित 5 सिक्का है जेब में, फोन रखा है, ये नहीं उड़ती है। ओह माय गॉड, हवा देखो और ठंडी चिल्ड हवा, अगर आप इसकी आवाज भी सुन पा रहे हो तो। ओए होए क्या बात,
ये लोग आए छुट्टी में जो पता लग रहा है हमें देख के, ये किसी की वीडियो बना रही है इतनी डेडिकेशन। ये कौन सी छुट्टी है भाई, लेकिन वर्क फ्रॉम होम अगर हो तो ऐसा हो, ऐसे व्यू पे वर्क फ्रॉम होम कोई भी बंदा मांग लेगा। भाई साहब जरा जूम चेक करो इस फोन का, मैं सीधा 1x पे आऊंगा, एक नंबर। मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं खुद खाती तो मेरा पेट जल्दी भरता है, खुद खाती हूं तो जल्दी भरता है। अच्छा इसलिए मैं मनु बोलती थी, मेरा पेट तो अपने हिसाब से भरता है जितना खाना बटे रोज नहीं खिलाता। कुड़िया हिंदी में कुछ डिफरेंट क्वेश्चन आएंगे ना, इंग्लिश में तो वही कॉमन क्वेश्चन आते हैं, मैंने कुछ चलो अलग अतरंगी। अच्छा इसको वल्गर चाहिए हर चीज में। मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बली है, वल्गैरिटी कर दो। नेवर हैव आई एवर क्वेश्चन स्पाइसी। ये हमारे पास आई थी गाइस, कहने ही मेरी वीडियो बना दो, आई एम सेल्फ सफिशिएंट, हम तब भी काम करवा लेंगे। यार पति तेरा तेरे साथ रहता है, उसको ज्यादा पता है तेरे बाल अच्छे हैं या नहीं, हमें कैसे पता होगा। तूने तो बचपन से मेरे बाल देखे नहीं उसी हिसाब से तो बड़े बेकार हो गए तेरे बाल। मुंह बंद करो, गंजी भी हो गई है तू। टेक्सचर जो स्मूथनेस आई है शैम्पू का वो पूछना है, टेक्सचर का अचार डाले, टेक्सचर का अचार डाले जब बंदा गंजा हो रहा है। तो यार मैंने बिनी डाल लिया क्योंकि ठंड और थी बहुत ज्यादा, हवा बहुत चल रही है। अगर आपको याद होगा पीछे बर्फ वाले पहाड़ थे, देखो सारा ढक गया, बादल ही बादल हो गया, हर जगह बादल बादल हो गए। और इधर ये इनकी बीवी साहब बैठे हुए हैं। ओहो ये नया मेंबर मिला है, ये कम भी जा रहे हैं, कम वाला थी कम भी जा रहे हैं, तो मैं इसको फिर वार्मथ दे रही हूं। और इसके अलावा हमने एक चीज मंगाई है, मैं आपको दिखाता हूँ, मतलब कल रात को पता नहीं क्या मीठा करने का मन करा, हमने मंगाई है ब्राउनी भाई, और ये यहाँ किचन में ही बनाई गई है, फ्रेशली बेक्ड ब्राउनी है ये, देखो जेम्स वगैरह ये वो, एक नंबर। कैफे तो मंगाया की है, जे हिंदी भी दस दोगे समझ आ जाएगा। एक तो कंबल से कोई बाहर निकल के राजी नहीं है, 2 घंटे तक कंबल में बैठे हुए हैं। तो वहाँ इंजॉय कर रहे हैं, मन्नू का मन कर रहा है स्केचिंग करने का। रियली मन्नू, मन्नू देख रहा हूँ कि बन सकती है ये चीज मेरे से, मतलब जो मैं सोच रहा हूँ स्केच पे आना चाहिए क्या, वो चीज आती है कि नहीं आती है। मन्नू इज ट्राइंग टू स्केच दिस सीनरी, लेट्स सी आप कितना अच्छा बना पाते हैं। अभी नियर बाय ना कोई कैफे है, वहीं तक जा रहे हैं, ज्यादा दूर नहीं जा रहे अभी, क्योंकि पूरा नीचे तो हम अभी उतरेंगे नहीं, वरना दोबारा चढ़ना तो मुशक्कत ही है। हरप्रीत तो आ रही है, पीछे छोटा मेंबर भी आ रहा है साथ में, उसको नहीं आना चाहिए। हाँ नहीं आएगा, नहीं आएगा, वहीं रुक जाएगा, वैसे वो सुबह भी घूम ही रहा था आसपास। चलो मैं वो दिखा रहा था कि हमारा छोटा मेंबर भी आ रहा है, चल भी काके शाबाश जंप शे, क्या बात है। वो अपना उधर हर पे बुला रही है और इसको तारों से जाना है, पता नहीं क्यों फिर से निकल ही गया। लेकिन That's my baby dog. Let's go. गंदे जूते जान के पहने गए थे। तो यार अभी हो यही रहे कि ना हम लोग बस घूम रहे हैं थोड़ा आसपास, मतलब हमारी प्रॉपर्टी वैसे उधर है, ये घर के पीछे जाके है, तो हमें 3-4 कैफे से हमें पता है, हम ढूंढ रहे कोई अच्छा वाला, कोई बैठने की जगह मिल जाए टाइम पास सा। रास्ता देखो जरा यार कैसा है, ए मजा ऐसे ही जगह से निकलती है यार, मैं कैमरा पकड़ के जाऊंगा पता लगे कैमरा अंदर गिर जाए, मेरे को डर लग रहा है। तो ना हम लोग रूम में नहीं होटल में वापस आए थे, पता करने की रास्ता कहाँ से है। अब पहले हम लोग उस रास्ते जा रहे थे, अब यहाँ से जाए एक ही जगह रहे हैं, पहले घूम के आते वहाँ कीचड़ ज्यादा है, इधर से जा रहे हैं बस, अभी चल रहे हैं, आंखें थोड़ी खुली रख के कि पानी में दोबारा पैर नहीं रखना, जराबे गिल्ली करना है, अब ठंड लगवाने के बराबर है और ठंड बहुत है, इस टाइम टेम्परेचर हो रहा है आई बिलीव 3 या 2। अभी इसको पानी दिखा है, जगी पानी उस जगह से हम लोग यहाँ से होते आए हैं। मैं आपको सन दिखाता हूँ, वो देखो जरा वो सूरज है, अब हिसाब लगा सकते हैं क्या ही सनलाइट है, किस हद तक की ठंड होगी, बर्फ वाली तो सारी पहाड़ियाँ ढकी गई हैं। वो जो कितनी इजी निकल के
आई है चुड़ैल। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम। इंदर पानी पानी जोतले पानी भाई जोतले कूद ही नहीं सकती भाई पता लग गया भाई साहब हमें बहुत देखो क्या मिला है। अरे सो की है हटे वही वाइग्रो ऐसे मत करो और वो रही उसकी बाकी की बॉडी पीछे किसका लेफ्ट ओवर है वो अबे ये तो आओ ओ वो देखो संस्कार करा रहे दसो यार ने 4 बजे लंगर भी होगा। देखो गाइस आपका वो है प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का बायो का जो भी है दिस इज स्कल एंड दिस इज C1 C2 C3 C4 C5 यहाँ पे दर्द हो तो सर्वाइकल होता है। तो गाइस आज हरप्रीत आपको बायो पढ़ाएगी पूरा दर्द दिखाते हैं विद हिप बोन ये कमर की है L1 L2 L3 L4 L5। तो ना मुझे कोई कहानी पता लगी है ये वाली और आगे जो एक और पढ़ा हुआ है ये दोनों आपस में लड़ बैठे थे ये ऐसा लड़े हैं कि एक ने दूसरे को मारा और दूसरे ने एक को मारा तो दोनों डेड हो गए। तो इसका एक रिपकेज वहाँ उड़ के गया क्योंकि बहुत जोर से मारा था और दूसरे वाले को इतनी जोर से मारा गया कि उसका रिपकेज नहीं है सिर्फ मुंह ही है। तो एक इसकी लात आपको यहाँ दिख रही होगी। चलो आगे बढ़ते हैं यार मैं अभी हरप्रीत से ये पूछ रहा था कि ये हैरी पॉटर फैन है कि नहीं है। हाँ बट ये लड़की हैरी पॉटर फैन नहीं है। सो ये ट्री में को विलो लग रहा है वो मतलब जो हिलता रहता है और इसके नीचे से श्रीकिंग शैक का रास्ता जाता था अगर आपको याद होगा पता नहीं कहीं तो होगा शैक अब पता नहीं है। बट ये भाई साहब ये मजाक से हट गए सेम टू सेम विलो लग रहा है मेरे को ये वाला। एट लास्ट थोड़ा ध्यान से आना स्लिपरी है मैं भी दिखाऊंगा भेज देना सारे आते हुए वहां ऊपर से आए थे और वहां तक गए थे और यहाँ पे अब सारा किचड़ किचड़ था बट अब मैं आते हुए रास्ता मिल गया। सो वी आर गोइंग बैक यार इतनी दूर से चलते चलते आ रहा हूँ 10 मिनट हो गए हैं। यहाँ पे जिम मिला छोटा सा एक प्लेटें किसी और की है मेरे पैसे नहीं दिए मैं उठा नहीं सकता। बस वो कैफे से वापस आ गए अब सब ऐसे बेड पे लेट गए हैं दो तीन तो दिख ही रहे हैं। 6 बंदे बेड पे हैं 7वां वो रहा 8वें इनके पति घूम रहे हैं और स्टार गेजिंग चल रही है लाइट वेट बंद कर दी है। इस टाइम पे इतने ठंड हो रही है पर सारे इतने ठीक है कि यही बैठ के इकट्ठे हो के सो गए। एक बंदा अपने कमरे में नहीं जा रहा एक बंदा ये रहा एक वो रहा ये देखो सभी में सो गए और मैं अकेली हूँ तो जाग रही हूँ। सो आज का दिन होता है समाप्त। सुबह उठे हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया थोड़ा सा इंजॉय करा और यहाँ पे बैठ के व्यू के बहुत अच्छे नज़ारे लिए। इस टाइम पे इतने ज़्यादा स्टार्स दिख रहे हैं इतने ज़्यादा इवन वीडियो में इतने नहीं दिख रहे जितने फोटो में दिख रहे हैं इतने मैंने पता नहीं मैंने तो कभी नहीं देखे होंगे लाइफ में। उसके बाद हम कैफे गए थोड़ी सी ट्रैकिंग करके ही कैफे गए वापस आए फिर बैठ के इतनी गप्पे मारे इंजॉय किया। तो बस अब हम जा रहे हैं सोने एक दो नैप्स पहले ले चुके हैं फिर सबने डिनर करा बैठे आराम से। नाउ एवरीबॉडी इज गोइंग टू स्लीप अगेन एंड सी यू टुमारो।